आज बसावा गांव में ये जो कृषि विधेयक किसानों को कल्याणकारी योजना लागू की है मोदी जी ने, इसके बारे में किसानों को हम बताने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये किसानों के हितकारी होगा, इससे किसानों को स्वतंत्रता मिली है, बीच जो ये खत्म हुए हैं। किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी माल बेच सकता है, भारत में कहीं भी माल बेच सकता है, अपना पैदा किया हुआ अनाज पहले केवल मंडी में बेच सकता था, बंधन था, अब कहीं भी बेच सकता है। और पहले किसान को पैदावार का भुगतान कई दिनों तक नहीं होता था, अब 3 दिन में भुगतान किसान को करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, मंडी लोग बाग विपक्ष कहता है कि मंडियाँ समाप्त हो जाएंगी, मंडियाँ चालू रहेंगी। लोग साथ में ये भी कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बात बिल के लागू होने के बाद भी सरकार ने बढ़ाया है और लागू रहेगा और लागू है। किसी भी तरह का किसान पर रोक नहीं लगाया है। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस विधेयक को लाकर को किसान के लिए कल्याणकारी योजना लागू की है, किसानों को लाभ हुआ। किसी भी पार्टी जब आई है तो चुनाव होते हैं, इस मुद्दे को हमेशा रखा है, इस विधेयक को हमेशा रखा है कि हर सरकार बनी तो हम लागू करेंगे। लेकिन आज तक कांग्रेस ने कभी भी लागू नहीं किया। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पहले प्रधानमंत्री हैं कि 70 साल बाद में किसानों की कल्याणकारी योजना लागू की। इस कल्याणकारी योजना से किसानों की दुगुने आय करने का जो मुद्दा है उसमें भी ये बिल सहायक रहेगा। तो देश को आत्मनिर्भर बनाना है उसमें भी ये बिल सहायक रहेगा। किसी को किसान को किसी भी कल्याणकारी पहले की योजनाओं को रोका नहीं है, अन्य योजनाएं शुरू की है, बिचौलियों को खत्म किया है। किसान की मर्जी है कि कहीं भी वो माल बेच सकता है, जो पहले की योजनाओं से बेच सकता है, अब वाली योजनाओं से बेच सकता है। विपक्ष केवल बोख लाख के कारण से इस मुद्दे को उठा रहा है, जबकि उन्होंने भी अपने मुद्दे में चुनाव हुआ जब रखा था कि हमारी सरकार बनी तो हम इस विधेयक को लागू करेंगे। इनकी सरकार बनी नहीं, मोदी जी ने इसको लागू किया। और विपक्ष ने तो कोई भी मुद्दा है उस पर, जैसे राम मंदिर का बनना, 370 धारा का हटना, शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति लगाई है पूरे राष्ट्र में, उसके बारे में, 3 तलाक के बारे में, कोई भी नियम बिल या विधेयक आया है उस सबका विरोध किया है। इसलिए ये तो विरोध किसान कल्याण चौपाल के माध्यम से माननीय सांसद महोदय श्री नरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, सभी मंडल अध्यक्ष, लगभग 4 मंडलों तक हम जा पाए हैं। सुबह यह कार्यक्रम शुरू हुआ था डूमरा मंडल से, डूमरा मंडल के बाद चेलासी मंडल, कारी मंडल, वर्तमान में बसावा मंडल में हम सभी कार्यकर्ता बंधु किसान भाइयों के मध्य आए हैं। और जिस प्रकार से माननीय सांसद महोदय ने बताया कि किस प्रकार से एक झूठा भ्रामक प्रचार किसानों के बीच किया जा रहा है, इस भ्रामक प्रचार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के मध्य जा रहे हैं, किसान कल्याण चौपाल के माध्यम से जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज का किसान, आत्मनिर्भर भारत का किसान समझता है कि क्या हितकारी है और क्या हितकारी है। सभी किसानों का समर्थन जिस प्रकार से उत्साह है हम सभी देख रहे हैं, जिस प्रकार से किसानों ने माननीय सांसद महोदय को आभार स्वरूप बाजरा भेंट किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से एक दिन आज आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर बनेगा कृषि में। इस विधेयक के द्वारा एक लंबा लाभ, एक बड़ा लाभ हम सभी को मिलेगा।